वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे मस्त होंगे और मेरे वीडियोस इंजॉय कर रहे होंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस ये ड्रेस मैंने एक साड़ी से बनाया है आप कोई भी पुरानी ओल्ड साड़ी आपके पास रखी हो तो उसे आप ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं या आप कोई फैब्रिक लेके उस पर लेस से डेकोरेट करके भी ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी और सिंपल वे से मैंने बताया है तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया है मैंने तो सबसे पहले मैंने ये लिया है फैब्रिक ही मेरी जॉर्जेट की फैब्रिक है सॉरी जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ी है और तीन मीटर मैंने लाइनिंग पर लिया है ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ किस तरह से बिल्कुल सेम पूरी फुल साड़ी ऐसे ही थी कोई पल्लू इसका अलग से नहीं था तो सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग का पीस लिया है थोड़ा सा तो इसमें मैं सबसे पहले तो ऊपर का टॉप जो है उसकी कटिंग करूँगी टॉप की कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगा ली है सीधा करने के लिए फैब्रिक को और इसके इसको कट कर लूँगी मैं अब यहाँ सबसे पहले तो मैं टॉप की जो है लेंथ लूँगी मैंने ली थी सिक्सटीन इंच और हाफ इंच नीचे वन इंच एक्स्ट्रा लिया था टोटल हाफ इंच नीचे के लिए और हाफ इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट करने के लिए और जो मैंने शोल्डर लिया है तीरा यानी कि वो मैंने फुल लिया है यानी कि साढ़े सात इंच मैं बैन गला इसमें बनाऊंगी बैन नेक और ये फ्रंट योग मैंने अपना वन इंच अंदर की तरफ लिया है इसको हम स्ट्रेट लाइन चेस्ट लाइन जो होती है वो मार्क कर लेंगे और ये जो एक इंच एक्स्ट्रा मैंने फ्रंट के लिए लिया है उसको भी एक, उसे योग से जॉइंट कर देंगे चेस्ट मैंने लिया है वन फोर्थ चेस्ट का थर्टी टू है तो उसका वन फोर्थ हुआ एट इंच हाफ इंच प्लस कीजिए फॉर लूजिंग सेम ऐसे ही वेस्ट में वन फोर्थ वेस्ट का लेके हाफ इंच लूजिंग के लिए हम ऐड कर लेंगे और मैं आर्म होल की जो राउंड शेप है उसको मार्क कर लूँगी आप फ्रंट योक जो फ्रंट की शेप होती है उसको आप फ्रंट योक अपना नाप के उसके अकॉर्डिंग ही आप लिया कीजिए मेरा से मेरा आ रहा था बा, बारह इंच तो मैंने सिक्स इंच लिया था और ये सब कहीं मैंने नॉच लगा ली है ताकि मेरी जो मार्किंग है अगर मिट भी जाए तो निशान मेरा बना रहे तो मैं इसको एक पीस को अलग करके इसकी जो फ्रंट पीस की है उसकी कटिंग जो आर्म होल की कटिंग है वो मैं कर लेती हूँ देखिए सेम ऐसे ही मैं मेन फैब्रिक पे भी इसको कट कर लूँगी उसके बाद मैं बताऊँगी इसका नेक जो है वो कैसे कटिंग करना है नेक आप सबसे पहले तो अपना नेक आप राउंड में आ, उसको नाप लीजिएगा एक फिंगर उसमें अंदर करके थोड़ा सा एक फिंगर की लूजिंग करते हुए आप उसको नाप लीजिएगा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि बैन नेक बनाने के लिए उसका नाप कैसे लेते हैं और उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी और आपको बताऊंगी डिटेल में कि कैसे मेयर करना है नेक को और उसका कैसे हमें जो मार्जिन जो भी हम निकालते हैं उसका मेजरमेंट तो वो कैसे निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी डिटेल में देखिए जो मेरा फैब्रिक है वो कट हो गया है इसमें मैंने ये नेक का अपना नाप के मेजरमेंट निकाला है तो ढाई इंच मेरा ऊपर से आया था वीट से नेक की और ढाई इंच ही मेरी डेप्थ आई थी ये देखिए तो इसमें हाफ इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने लिया था क्योंकि कम था तो ये ऊपर हाफ इंच मेरा मार्जिन भी चला जाएगा इसलिए मैंने हाफ़ इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे और ये बैक की भी मैं मार्किंग कर लूँगी इसको भी हल्का सा वन इंच डीप रखते हुए मार्क कर लेंगे सबसे पहले मैं बैक की कटिंग कर लूँगी क्योंकि फोर पीस जो फ्रंट और बैक दोनों पीस साथ में ही रखे हुए हैं अब मैं इसमें से ये बैक का पीस निकाल दूंगी और जो फ्रंट का है नेक उसको रख के इसकी कटिंग कर लेंगे ये देखिए इसके फ्रंट नेक की मैं कटिंग कर लूँगी इस तरह से और इसके जो आर्म होल की कटिंग है वो भी इसमें कटिंग कर लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो ये देखिए जो मेरा है मैंने ये नीचे का जो हमने फ्लेयर इसका बनाना है उसके लिए मैंने ये फोल्ड करके टू पीस रखे हैं यानी कि फोर फोल्ड है वन पीस बैक का फ्रंट का फोर पीस हो गए हैं तो इसको मैंने जो हमारी जो ऊपर की टॉप थी उसको मैंने रख के उसका नाप ले लिया है और इसमें हम एकदम जितना आपको राउंड चाहिए हो आप उतना रख के इसको फोल्ड कर लीजिए तो इसको मैं एकदम डायगनल लाइन में ड्रॉ कर लूँगी जितना राउंड मेरे पास आ रहा था मैंने पूरा रख लिया है और नीचे से कॉर्नर जो होते हैं उनको हम थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी ये देखिए इसका जो डिज़ाइन था नीचे का वो मैंने नीचे बॉटम में ले लिया है इसको बराबर रखते हुए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा फैब्रिक उसको मैं कट कर दूंगी राउंड शेप इससे हमारी इक्वल अच्छी आ जाती है जो कॉर्नर होते हैं वो बिल्कुल नहीं रहते हैं ये देखिए ये जो ये जो नीचे का फ्लेयर है उसकी कटिंग मैंने कर लिया ये देखिए इसका एक पीस निकाल के मैं सेंटर से कट कर लूँगी ताकि वो फ्रंट में हमारे जो है वो स्लीट रहेगी वो लॉन्ग स्ट्रेट स्लीटर वाला रखा है मैंने फ्रंट से वो अपने वीडियो में फ्रंट में देख ही लिया होगा तो ये देखिए सेंटर से हम पार्ट पार्ट कर देंगे इसका अलग तो ये टू पार्ट्स हो जाएंगे इसके ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पीस हो जाएगा इस तरह से और इसके ऊपर जो मेरे साड़ी में बॉर्डर जो निकला था उसी को मैं इसमें लगाऊंगी फ्रंट में जो हमारा कट स्लीट रहेगा ये स्लीव्स की कटिंग है स्लीव्स मैंने कटिंग कर ली थी और इसका जो नीचे का फ्लेयर है उसको मैं कट कर रही हूँ मैंने नीचे बेल की शेप दी है फ्लेयर अम्ब्रेला शेप लगाया था अम्ब्रेला फ्रेल फिर लगाई थी तो उसकी कटिंग है सिंपल मैंने अम्ब्रेला दिया था ज़्यादा फ्लेयर वाला नहीं बनाया था अगर आपको फुल फ्लेयर वाला अम्ब्रेला स्लीव सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा मैं ज़रूर बन बताऊँगी आपको अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन देते हुए मैंने रख लिया है जितना आप रखना चाहते हैं फ्लेयर उतना आप स्लीव्स को कट कर लीजिए अलग कर लीजिए बाकी जो बचेगा उसमें उतनी ही आप फ्रिल कट कर लीजिए देखिए स्लीव्स भी मेरी कट हो चुकी हैं इसमें दोनों पार्ट हैं तो मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर लूँगी फ्रंट और बैक पार्ट के लिए तो कटिंग हमारी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है तो ये है मेरा ड्रेस लुक जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसका कटिंग जो इसका स्टिचिंग का वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी आप जाके चेक कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय